राधे राधे हरे कृष्णा। आज मैं करने जा रही हूँ अपने मंदिर का छोटा सा मेकओवर। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंदिर को देने जा रही हूँ एक नया रूम। तो ये मेरे घर का मंदिर है जो कि एक रूम के कॉर्नर में बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस मंदिर को थोड़ा सा चेंज करूँगी, डेकोरेशन करूँगी, ताकि जन्माष्टमी पर इसका लुक बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ मैंने कुछ फूलों की माला ली है, ये आर्टिफिशियल फूलों की माला है जो कि मैं नॉर्मली किसी त्यौहार पर, दिवाली पर, जन्माष्टमी पर लगाती हूँ। तो इन्हें मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था पहले ही निकाल कर, और अब मैं इसे यहाँ लगाने वाली हूँ। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, छोटा सा बच्चा जो है ये मेरी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, पर हाँ करता भी है काफ़ी हेल्प, और कैमरे को देखकर थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इसलिए अपने आप से ही बातें करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे सोचा है कि ये जो फूलों की माला है इसे मैं एक गेट बंद टाइप का बना लूँ, क्योंकि ये कॉर्नर है तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर। और इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर बांधने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है इसलिए ये काफ़ी सुंदर लगने वाला है मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो लगा दिया है इसे फूलों की माला का, ये जो गेट पर लगाया जाता है, नॉर्मल डोर पर लगाया जाता है, मैंने इसे ऐसे लगा दिया है क्योंकि हम मंदिर सजा रहे हैं और मंदिर का मेकओवर डेकोरेशन चल रहा है। तो मुझे लगा कि भगवान की एक तस्वीर यहाँ पर होनी ही चाहिए, बिल्कुल सूना करके मैं यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ काम, इसलिए मैंने यहाँ पर शिव परिवार की एक तस्वीर लगा दी है। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपना काम दोबारा से। कुछ रिबन्स लिए मैंने कलरफुल यहाँ पे, उन रिबन से थोड़ा ऊपर की तरफ कुछ नेट टाइप का बनाने की सोच रही हूँ, आई होप ये अच्छा लगे। तो मैंने इसे ये चिपका दिया है सेलो टेप की हेल्प से वॉल पर, और आप देख रहे हैं शिवाय मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया रिबन भी, और ये कुछ कलरफुल डेकोरेटिव एक और रिबन टाइप का ही है मेरे पास जो पेपर से बना हुआ है, तो ये भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये तोरण टाइप का मैं लगा चुकी हूँ, रिबन से लगा चुकी हूँ, और ये कलरफुल रिबन भी लगा चुकी हूँ, और यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, बिकॉज वॉल का कलर वाइट है और सब कलरफुल हो गया है। तो आई होप ये अच्छा लगेगा, देखिए कैसा लुक आया है, वाओ काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो जन्माष्टमी के दिन तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग और सब कुछ लग जाएगा, बलून्स लग जाएंगे। तो अभी मैं ये फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, ताकि हम यहाँ पे मंदिर को स्थापित कर पाएँ। तो यहाँ पे एक मैंने चौकी टाइप लगाई है बड़ी सी, जिसके ऊपर मैं ये जो मंदिर है ये बहुत खास है, ये मेरे डैड ने मेरे लिए बनाया है, उन्होंने अपने हाथों से लकड़ी काट के ठोक कर पूरा, मतलब इसे पूरा बना के मुझे दिया। ये पत्तियाँ लगाई अंदर, देखिए ये लगाई घंटी टाइप की, ये भी उन्होंने चिपकाया, कलर भी खुद करा, ये जो पेंट हो रखा है ये स्ट्रिंग लगा के दिया ताकि मैं इस पर पर्दा लगा सकूँ, कर्टन लगा सकूँ। वो मंदिर मुझे बहुत पसंद आया वैसे, मैंने जो अभी ख़रीदा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये मंदिर पसंद है, इसलिए मैं इस मंदिर को हमेशा अपने पास ही रखना चाहती हूँ। चाहे मेरे पास कोई भी आगे मैं मंदिर चेंज भी करूँ तब भी ये मेरे पास ही रहेगा। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा मेकओवर करने वाली हूँ, वैसे अभी मेरे पास ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास थोड़ा सा ये कलर्ड पेपर है जो कि मैं इसके ऊपर चिपकाने वाली हूँ, ये रेड कलर का कलर पेपर जो है दोनों साइड चिपकाऊंगी मैं इससे। तो अभी क्योंकि मैं मंदिर दूसरा ले आई हूँ, तो मैं इसके अंदर जो पूजा का सामान है वो रखने वाली हूँ, ताकि ये भी एक स्टोरेज, मतलब मंदिर के सामान की स्टोरेज के लिए ही मेरे मंदिर में हमेशा रह सके। तो यहाँ पे मैंने इसे पेपर देखिए ऐसे करके चिपका दिया है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर मेरे पास बड़ा पेपर होता तो मैं इसे पूरा कवर करती, तो अभी तो मेरे पास यही अवेलेबल है, क्योंकि ये जन्माष्टमी एक ऐसी जन्माष्टमी है जब घर में जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उसी से सारा कुछ करने वाली हूँ, बिकॉज़ मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पा रही है,
और आई होप अगले साल तक सब कुछ ठीक हो, सब कुछ पहले जैसा हो और हम पहले की तरह हर चीज़ को सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन ये भी एक मौका है कि जब हम चीज़ों को उस तरीके से सेलिब्रेट कर पाएँ जिस तरीके से हमने कभी सोचा भी ना हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कलर पेपर लगा दिया है दोनों तरफ, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसका पूरा लुक तो नहीं बदलना चाहती, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो देखिए मैंने इसे नीचे रख दिया और जो मेरा मंदिर है वो जो अभी मैं यूज कर रही हूँ वो ऊपर रख दिया है। तो इस तरीके से क्या है कि नीचे सामान आ जाएगा जो पूजा का सामान होता है और ऊपर भगवान जी को मैं बिठा सकती हूँ। तो इसमें मुझे एक रेड बल्ब लगाना है और नीचे मैंने ये सारा सामान रख दिया है और ये इसमें भी ड्रॉअर है जिसके अंदर मेरा पूजा का सामान रखा हुआ है। तो ये ड्रॉअर मैंने इसमें लगा दिया फिल करके, ये भी पूरा तैयार हो गया। और अब इसके अंदर जो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं या फोटो हैं मेरे पास, प्रतिमा है, वो सब स्नान करा के क्लीन करके मैंने इसमें लगानी शुरू कर दी हैं। मैं आपको बताऊं गाइस, घर का सबसे ज़्यादा जो शांति वाला, सुकून वाला, हैप्पीनेस वाला जो एरिया होता है, जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, वो मंदिर ही होता है। घर में चाहे मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मार्बल का हो चाहे लकड़ी का हो या फिर सिर्फ चौकी पर मंदिर हो, मंदिर आपकी आस्था और भाव का विषय है। जितना भी आप भाव रखते हैं प्रभु के लिए उतना ही सुंदर आपका मंदिर लगता है और जितना सुंदर आपका मंदिर होता है उतने ही सुंदर आपके रिश्ते भी होते हैं। तो यहाँ मैंने मंदिर को सजा लिया है, अभी और सजाना है जन्माष्टमी के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं चलती हूँ, राधे राधे हरे कृष्णा।